हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जावा में प्राइम नंबर को बहुत ही इजी मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना है। मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसे ओके ओपन करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और इसको जिस भी नेम से आप सेव करना चाहें सेव कर लेंगे। डॉट जावा का एक्सटेंशन दे देते हैं, इसे ओके कर लेंगे। इसके बाद से इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है, इसको ओपन विथ करेंगे और हम यहाँ पे जे क्रिएटर यूज करने वाले हैं। तो जे क्रिएटर आपको कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जे क्रिएटर टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम प्राइम नंबर का कोड स्टार्ट करेंगे। तो इसे सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है पब्लिक पब्लिक क्लास, और जिस नेम से आप सेव किए रहेंगे वो यहाँ पे दे देंगे। मैंने प्राइम नेम से सेव किया था इसलिए यहाँ पे प्राइम नंबर दे दिया। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद से यहाँ से वैल्यू को हम इनिशियलाइज करते हैं, प्राइम नंबर के वैल्यू को। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो वैल्यू खुद से ही कटता है, जो इंटीजर या डिजिट कोई भी हो, जो डिजिट खुद से कटे उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करना होता है, वो कंडीशंस को कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम मैंने 29 दिया है यहाँ पे, तो 29 को हम देखना चाहते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बुलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, और उसके बाद से आपको यहाँ पे कंडीशन, मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे दिया, यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई कर रहे हैं। तो इंट आई इक्वल टू 2 से इनिशियलाइज किया मैंने वैल्यू को। उसके बाद से इसका जो कंडीशंस है वो कंडीशन दिया आई लेस देन इक्वल टू एंड डिवाइड बाय 2, और उसके बाद से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एंड परसेंटाइल आई इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे टाइप करना है फ्लैग इक्वल टू ट्रू, सेमी कॉलोन लगा देना है। इसके बाद से हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कंडीशन हो गया, अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो प्राइम नंबर होगा अथवा नहीं होगा। इसके बाद से हम नीचे आते हैं, अगर फ्लैग हमारा निगेटिव होगा तो वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो इसके लिए प्राइम नंबर है तो उसे कैसे हम कैसे वहाँ पे प्रिंट होके आएगा, तो इसके लिए हमें लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और ये हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर, इसके इसको हम स्ट्रिंग में लिखते हैं। नीचे हम सेमी कॉलन लगा देंगे और अगर ये फुलफिल नहीं करेगा तो आपको यहाँ पे लिखना है एल्स, एल्स पार्ट में आना है आपको। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख देना है, फिर से आपको यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू पास करना है। नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो ये वैल्यू नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद इसे कंट्रोल एस कर देंगे, उसके बाद इसे हम रन करा के देखेंगे, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं। अगर हमारा कोई एरर नहीं आएगा तो ये रन हो जाएगा। तो देखिए हमारा प्रॉपरली रन हो गया, कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे 29 इज प्राइम नंबर। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो प्राइम नंबर आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर से इनपुट वेरिएबल कैसे लेते हैं और उसके बाद से प्रोग्राम को कैसे हम रन कराते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।